हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो। यस, आवाज आ रही है। हाँ जी, गणपति बप्पा मोरिया, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? चलो आ जाओ, अभी तक जो हमने पढ़ा था उससे आगे शुरू करते हैं। माय वॉइस इज क्लियर? एक बार मुझे बता देना प्लीज, वेदर इट इज ऑडिबल और नॉट। यस यस सर, योर वॉइस इज क्लियर। ठीक है, चलो। तो अभी तक जो हमने पढ़ा ना, एक उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं, इस 15 मिनट की जो सीरीज है, इस 15 मिनट की सीरीज में आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ ALP। सर पूरा कंप्यूटेशन, देर आर 5 मेथड, सर सारे बता दोगे कि नहीं? आज हम देखेंगे कप मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, राइट? आज हम सिर्फ और सिर्फ वो एक मेथड देखेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम तो अभी तक जो ओवरव्यू हमारा रहा है ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अभी तक हमने करा क्या है सर? सर ट्रांसफर प्राइसिंग सेक्शन 92 बोलता है चार्जेबिलिटी ऑफ द ट्रांसफर प्राइसिंग, कब कोई इनकम ट्रांसफर प्राइसिंग हेड में टैक्सेबल होगी, मतलब कब ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर बोला गया है कि अगर आप एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, जिसे हम सेक्शन 92A में देख चुके हैं, अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सेक्शन 92B, करेक्ट, तो उस केस में हमें कंप्यूटेशन करना होता है ALP का। मतलब आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज ने जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किया है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में मैंने आपको बताया था वन पार्टी शुड बी NR, एटलीस्ट वन पार्टी शुड बी NR, ठीक है ना? एटलीस्ट वन पार्टी शुड बी NR होना चाहिए। उनके बीच में अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है तो वहां पर क्या होगा, आपको ALP कंप्यूट करनी पड़ेगी। इसका मैंने आपको बताया था कि मान लो ए एंड बी बोथ आर दी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, तो जब ए बी को माल बेचेगा तो ऑब्वियस से जुगाड़ करेगा ताकि हिंदुस्तान में कम टैक्स देना पड़े। तो इसी जुगाड़ को रोकने के लिए इन्होंने बोल दिया, भैया आप जो भी ए और बी का, ए अगर मान लो बी को माल बेच रहा है या बी से माल खरीद रहा है, और देखो अगर बेच रहे हो तो आप क्या कोशिश करोगे कि सेल्स को कम दिखावें, लोअर प्राइस पे दिखावें, और अगर आप मान लो खरीद रहे हो तो आप कोशिश करोगे प्रॉफिट कॉस्ट ज्यादा दिखावे ताकि प्रॉफिट रिड्यूस हो सके। इन दोनों का ऑब्जेक्ट एक ही है कि प्रॉफिट कम दिखावे, इन दोनों का ऑब्जेक्ट एक ही है, प्रॉफिट कम दिखाएं। तो ये कहता है कि अगर मान लो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वहां पर आपको ALP कंप्यूट करनी पड़ेगी, लेकिन ALP आपको वहीं कंप्यूट करनी पड़ेगी जहां पर प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है। अगर ALP कंप्यूट करने से प्रॉफिट बढ़ता है ना तो यस उसे कंसिडर कर किया जाएगा, लेकिन अगर ALP कंप्यूट करने से प्रॉफिट रिड्यूस होता है तो ALP कंसिडर नहीं की जाएगी, करेक्ट। चलो अब आता है सर ALP किस तरीके से कंप्यूट करना है। सो मेथड, सर क्या मेथड है? देर आर 5 मेथड्स, ठीक है ना? CA फाइनल में आपको ये 5 मेथड ध्यान में रखने हैं, CA में फाइनल या CA फाइनल बोथ। पहला मेथड आता है कंपेरेबल कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, ठीक है ना? सो इसे हम बोल सकते हैं कप मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, दैट इज कप मेथड, ठीक है ना? आज अपन इसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बाकी के मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक है कॉस्ट प्लस मेथड, क्या होता है हम डिटेल में देखेंगे कल वाले सेशन में। एक होता है रीसेल प्राइस मेथड, एक होता है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, और एक होता है ट्रांजिशनल नेट मार्जिन मेथड। दिस इज मोर प्रैक्टिकल, ट्रांजिशनल नेट मार्जिन मेथड ही मार्केट में चलता है, राइट? बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सभी के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम आते हैं कप मेथड पे, आज हम इसी को कंप्लीट करने वाले। सर कप मेथड में क्या होता है? कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड ये बोलता है कि मान लो ए एंड बी बोथ आर दी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, ए एंड बी बोथ आर दी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, तो दोनों में जुगाड़ हो सकता है ना? अगर दोनों कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो जुगाड़ कर सकते हैं। अब जुगाड़ इंडिया गवर्नमेंट बोलती है, भैया देख तू कोई भी जुगाड़ कर, बट हमारे इंडिया टैक्स पे इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। इंडिया टैक्स पे इंपैक्ट तभी आएगा ना जब तुम प्रॉफिट को कम दिखाओगे, कम शो करोगे, है ना? अगर तुम लो प्रॉफिट शो करोगे,
लोअर प्रॉफिट अगर तुम शो करोगे, ठीक है ना, तो हमारा इंडिया टैक्स पे इम्पैक्ट आएगा, है ना, क्योंकि हमारा कलेक्शन कम हो जाएगा, राइट। तो ये बोलता है तुम जुगाड़ किस तरीके से कर सकते हो। या तो क्या कर सकते हो, तुम अगर मान लो माल खरीद रहे हो, मान लो ये पीएनएल अकाउंट है इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का, इंडिया एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का पीएनएल अकाउंट है। ये बोलता है या तो अगर तुम माल खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, परचेज फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, तो तुम मान लो कॉस्ट है 10 लाख रुपए और तुम दिखा रहे हो कितनी, 25 लाख रुपए। शो कितनी कर रहे हो, एक्चुअल एक्चुअल कॉस्ट इज 10 लाख रुपीज, बट यू आर शोइंग, आप कितनी शो कर रहे हो, 25 लाख रुपए, मतलब आप 15 लाख रुपए से ज्यादा कॉस्ट दिखा रहे हो, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने बोला है कि या तो आप परचेज कर रहे हो, या दूसरी सिचुएशन आप सेल कर रहे हो एसोसिएटेड को। मान लो 5 लाख की चीज, सॉरी 15 लाख की चीज आप दिखा रहे हो 5 लाख में, मतलब दोनों जगह आप रिड्यूस, दोनों जगह आप प्लानिंग कर रहे हो। तो आप एसोसिएटेड से अगर माल खरीद रहे हो या माल बेच रहे हो, दोनों केस में आप जुगाड़ कर सकते हो, करेक्ट। तो कप मेथड बोलता है अगर आप एसोसिएटेड से खरीद रहे हो तो भी कप मेथड, कप मेथड की हेल्प ली जा सकती है, या एसोसिएटेड को माल बेच रहे हो तो भी कप मेथड की हेल्प ली जा सकती है। कप मेथड क्या बोलता है, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। लेट्स अज्यूम कि अगर इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को माल बेच रही है, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन अगर अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को माल बेच रही है, तो उस केस में होगा क्या। यस आयुष, अच्छा मैं भी समझाता हूं, है ना आयुष, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी समझा देता हूं, ठीक है। अगर इंडिया की एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस अपनी अपनी एसोसिएटेड को, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन अगर अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को माल बेच रही है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, ये जुगाड़ क्या कर रहे होंगे, 15 लाख की सेल्स प्राइस है, लेट्स अज्यूम दिस शुड बी द सेल्स प्राइस, बट वो दिखा कितने रहे, 5 लाख, मतलब जुगाड़ कर रहे हैं 10 लाख से सेल्स प्राइस कम दिखा रहे हैं। तो यहां पर एएलपी जब हम कंप्यूट करेंगे एज पर द कप मेथड, तो वो क्या बोलता है कि ये माल जो तुम अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को बेच रहे हो, अगर मान लो ये माल तुमने अपनी अनरिलेटेड, तुमने किसी अनरिलेटेड माल पार्टी को बेचा है, तो किस प्राइस पर बेचा है। मान लो मैं कोई सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूं अपनी एसोसिएटेड को, जिसका बिलिंग मैंने किया 5 लाख रुपए, और वही सर्विसेज मैं किसी अनरिलेटेड पार्टी को दे रहा हूं, उसका चार्ज कर रहा हूं 20 लाख रुपए। तो कप मेथड क्या बोल रहा है कि जो सर्विसेज आप अपनी एसोसिएटेड को दे रहे हो, वो सर्विसेज आपने अनरिलेटेड को दी है, तो उस केस में आप 20 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो, तो 20 लाख विल बी योर एएलपी, दैट विल बी योर एएलपी, वो आपका आर्म्स लेंथ प्राइस हो जाएगा। बट इन्होंने बोला है कि अगर मान लो कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस हैं आप दोनों ट्रांजेक्शन के बीच में, अपने एसोसिएट के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अलग होगी, अनरिलेटेड के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अलग होगी, तो इन फंक्शनल जो ट्रांजेक्शन डिफरेंसेज हैं उसका आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और उस एडजस्टमेंट को कैसे करना है, उन्होंने क्या बोला है कि आप जो सर्विसेज एसोसिएटेड को दे रहे हो, अगर वो अनरिलेटेड को दे रहे होते, तो आप क्या प्राइस क्या प्राइस चार्ज करते, दैट विल बी द एएलपी, और उसमें एडजस्टमेंट कर दो। क्या एडजस्टमेंट, ध्यान से सुनना, किस तरीके से एडजस्टमेंट करना है। ये बोलता है जिस टर्म्स एंड कंडीशन पर आप एसोसिएटेड के साथ काम कर रहे हो, अगर सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशन पे आप अनरिलेटेड के साथ काम करते, तो क्या प्राइस आती, दैट विल बी द एएलपी। इसे समझाता हूं मैं। अब देखो मैंने क्या इसमें आपको क्या बताया कि आप सेल, एक्चुअल सेल प्राइस टू एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस 5 लाख रुपए, सेम प्रोडक्ट आप जब अपनी अनरिलेटेड को बेचते हो टू अनरिलेटेड, तो आप कितना चार्ज करते हो, 15 लाख रुपए। सर इतना गैप क्यों, आप बोलते हो सर कुछ फंक्शनल एडजस्टमेंट्स, फंक्शनल डिफरेंसेस है, आप बोलते हो सर अनरिलेटेड से मैं 15 लाख चार्ज कर रहा हूं, है ना। तो ये बोलता है कि दिस इज द बायस्ड, ये मैनिपुलेटेड प्राइस है ना, दिस इज, तो एएलपी कंप्यूट करने में कभी भी ये प्राइस नहीं कंसिडर करेंगे, अनमैनिपुलेटेड प्राइस कंसिडर करेंगे, दैट इज 15 लाख। तो मैं क्या करूंगा, 15 लाख कंसिडर करूंगा, अब उसमें जो एडजस्टमेंट कर दूंगा प्लस माइनस फंक्शनल एडजस्टमेंट, फंक्शनल एडजस्टमेंट। अब फंक्शनल एडजस्टमेंट समझना, मैं क्या बोलता हूं, देखो सर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस मेरे को टेक्निकल सपोर्ट देती है, सर मान लो मैं एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को 5 लाख में दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं, क्योंकि सर 3 लाख रुपए का टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है सर मुझे, इसलिए मैं 3 लाख रुपए कम चार्ज कर रहा हूं उनसे। सर अगर यही सपोर्ट मुझे अनरिलेटेड पार्टी भी दे देती, तो 3 लाख रुपए में उससे भी कम चार्ज करता। सुन लो,
जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे आप एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के साथ काम कर रहे हो, अगर उसी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ अगर आप अनरिलेटेड के साथ काम करोगे तो क्या प्राइस होगी, दैट विल बी एएलपी, राइट। तो आप ये पहला एक एडजस्टमेंट आपने कर लिया। दूसरा एडजस्टमेंट, सर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को मैं कम में क्यों बेचता हूं, मेरे को बड़ा ऑर्डर मिलता है सर, मैं बल्क डिस्काउंट देता हूं एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को 2 लाख रुपए का। अच्छा सर, अगर अनरिलेटेड पार्टी भी मुझे बल्क डिस्काउंट दे दे तो मैं उसको भी डिस्काउंट दे दूंगा 2 लाख रुपए का। तो ये लो सर, अगर अनरिलेटेड पार्टी को आप 15 लाख चार्ज कर रहे हो, अगर आपको वो बल्क ऑर्डर दे दे तो आप उसको 2 लाख रुपए का डिस्काउंट दे दोगे? हाँ सर दे देंगे। ये लो सर, सर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को मैं वारंटी नहीं देता, जबकि अनरिलेटेड पार्टी को वारंटी देता हूं सर, और वारंटी का 1 लाख रुपया है। अगर सर जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे एसोसिएटेड के साथ काम कर रहा हूं, अगर वो ही मैं रेप्लिकेट कर दूं अनरिलेटेड के साथ, सर मैं अपनी एसोसिएटेड को वारंटी नहीं देता, अगर अनरिलेटेड को भी वारंटी ना दूं तो 1 लाख रुपया कम चार्ज करूंगा, तो आप वारंटी के चार्जेस भी लेस कर दो, राइट। सिचुएशन जो भी हो, आपको फंक्शनल एडजस्टमेंट को प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है कि जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे आप एसोसिएटेड के साथ काम कर रहे हो, अगर वो ही रेप्लिकेट कर दी जाए अनरिलेटेड के साथ तो क्या प्राइस होगी, राइट। तो यहां पर आएगी प्राइस 9 लाख रुपीज, दिस विल बी द एएलपी, और आप चार्ज कितनी कर रहे हो, 5 लाख रुपए, मतलब 4 लाख का घपला कर रहे हो। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो सब माइनस माइनस हो रहा है, सर प्लस की सिचुएशन नहीं आ सकती? आ सकती है। देखो लेट्स अज्यूम सर मैं एसोसिएटेड को वारंटी देता हूं, अनरिलेटेड को वारंटी नहीं देता, राइट। अनरिलेटेड को वारंटी नहीं देता, सर एसोसिएटेड से वारंटी के 50,000 रुपए चार्ज करता हूं। अगर मान लो जो एसोसिएटेड के साथ टर्म्स है वो रेप्लिकेट कर दी जाए अनरिलेटेड के साथ, मतलब आप एसोसिएटेड को वारंटी दे रहे हो, अगर अनरिलेटेड को वारंटी दे दो तो अनरिलेटेड से भी 50,000 रुपए ज्यादा चार्ज करोगे? यस। तो ये 50,000 रुपए एड कर दो, सो व्हाट विल बी द प्राइस, 10,50,000, दिस विल बी द एएलपी। सो डिपेंड्स, आप ये देखो कि एसोसिएटेड के साथ किस टर्म्स एंड कंडीशन पे काम किया है, अगर उसी टर्म्स एंड कंडीशन पे आप अनरिलेटेड के साथ काम करोगे सो क्या प्राइस होगी, दैट विल बी द एएलपी। सो यहां एएलपी आपकी कितनी हो गई, 10.5, और आप एक्चुअल में माल कितना बेच रहे हो अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को, 5 लाख में बेच रहे हो, सो 10,50,000 में आप 5 लाख लेस कर दो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए से इनकम बढ़ानी पड़ेगी। इंडिया ऑर्गेनाइजेशन को अपनी इनकम 5 लाख से बढ़ानी, 5,50,000 से, सॉरी 5,50,000 से अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। आई होप दिस इज क्लियर। यस आयुष, अब आपका जो क्वेरी है वो मैं रिजॉल्व कर देता हूं। सर डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में ये बोलता है कि अगर दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, राइट, दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, सेल परचेज लीज कॉस्ट लोकेशन व्हाटएवर, वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो जाएगा, बट एटलीस्ट वन एसोसिएटेड शुड बी एनआर, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने आपको बोला था इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इट इंक्लूड्स डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। समझो इसे वापस, मान लो ए एंड बी बोथ आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, ठीक है, बोथ आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। ये बी कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में, समझना, और ए कहां पर है, इंडिया में। अब ये बोलता है कि इंडिया की ए और बी बोथ आर दी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। अब हमें पता है, इनको पता है कि अगर मान लो ए बी को कोई माल सप्लाई करेगा तो ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा। यस, ए अगर बी को कोई सप्लाई करेगा तो ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा। तो ए क्या करता है, ए एक्स वाई जेड लिमिटेड को माल सप्लाई करता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना, ए एक्स वाई जेड लिमिटेड को माल सप्लाई करता है, और एक्स वाई जेड लिमिटेड के साथ जो अग्रीमेंट है कंट्रोल कौन कर रहा है, बी। द अग्रीमेंट बिटवीन एक्स वाई जेड एंड ए मैनेज्ड और कंट्रोल्ड बाय बी लिमिटेड। समझ आ रहा है, हो क्या रहा है, अगर ए बी को डायरेक्ट माल भेजेगा तो टीपी ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लग जाएंगे, तो इसको बचने के लिए वो जुगाड़ करते हैं, वो क्या बोलते हैं, ऐसा कर, बी बोलता है कि अपन क्या करते हैं, एक डमी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, राइट, उसको माल बेच, दैट इज अनरिलेटेड पार्टी। अब जब आप अनरिलेटेड पार्टी के साथ डील करोगे तो ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा ही नहीं, राइट। बट यहां पर जब देखा जाता है तो पता पड़ता है कि सर ए और एक्स वाई जेड लिमिटेड का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, कंट्रोल्ड तो बी कर रहा है, और बी कौन है, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस।
तो उस केस में ए और एक्स वाई जेड लिमिटेड का जो ट्रांजेक्शन है वो भी डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन माना जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो तो आज हमने मेथड्स देखे हैं और मेथड में हमने पहला मेथड कंप्लीट कर लिया है, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। कल हम देखेंगे रीसेल प्राइस मेथड एंड कॉस्ट प्लस मेथड। ठीक है, चलो ओके। आयुष अगर कोई डाउट आया तो प्लीज बताइए वेदर इट इज क्लियर और नॉट। और जो भी आपके ग्रुप में है आप उनको ये लिंक भेजिए और सब्सक्राइब करिए, उनको बोलिए ताकि 11:15 से 15 मिनट में डेली आपके छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर कर सकें। कुछ टाइम तक यस दिस वीडियो विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब बट उसके बाद में ये हटा दी जाएगी। ओके बाय बाय।